नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पर और मैं हूँ अभिनव सिंह। तो दोस्तों, ये 16 सितंबर 2019 को क्वेश्चंस कुछ मिले हैं मुझे आज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। इसको भेजने वाला निक्की अरोरा, सागर रॉय, सृष्टि भरद्वाज, पूनम पासवान, निक्की बदमाश, इन सब ने भेजा है। और ये सारे क्वेश्चन आपको क्विक हिंदी डॉट इन पर भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो उसको। और आप लोग भी मुझे क्वेश्चन भेजना जिनका भी एग्ज़ाम है बचा है अभी, अभिनव सिंह 177 यहाँ की मेरी आईडी है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो आप सभी। और चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन मुझे भेज लेना, तो वहाँ से भी मैं क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। और वीडियो को सब लोग लाइक कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सम कहाँ मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आया था, तो इम्पॉर्टेंट है ये। जो ये लोग कहते हैं कि छोटे क्वेश्चन नहीं बड़े बड़े आते हैं, तो बड़े बड़े तो आते हैं मुझे मालूम है, तो भेजोगे तभी मैं उसको बता सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक बात होती है उसमें, क्वेश्चंस बड़े होते हैं लेकिन आंसर तो छोटा ही होता है ना उसका, सिर्फ आपको टिक करना है उस पर, बस एक ऑप्शन पे, चार ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे। तो बड़े क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं किसी को, उसको ध्यान से पढ़ना है तो पता चलेगा बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैं देखा हूँ बड़े बड़े होते हैं लेकिन बहुत छोटा होता है वो। सम तो फंक्शन टूल में तो मिलता ही है और फार्मूला में भी मिल जाता है, दोनों में मिलता है ये, ठीक है। उसमें जो एक्सेल होता है, इसमें तो कुछ दिया नहीं, एक्सेल है कि कैल्क है, कुछ भी नहीं दिया। तो एक्सेल में फार्मूला के एक जो मेनू बार में फार्मूला ऑप्शन भी होता है, तो वहाँ से भी फार्मूला सारे होते हैं, तो सम भी मिलता है और फंक्शन में तो सारे मिलते ही है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अब जो भी एग्ज़ाम में आता है उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, मेन है, परमानेंट मेमोरी है, कैसा है। कभी कभी देखो मुझसे क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है वीडियोज़ में, जैसे HTML का STP बता दिया, तो HTTP का फुल फॉर्म बता दिया, तो एक्चुअल में HTTP का फुल फॉर्म पूछा था, तो मैंने HTML लिख दिया था उसमें गलती से, तो HTTP का फुल फॉर्म बताया था आपसे, तो उसको सब लोग पकड़ लिए हैं वही बार 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 बार, तो उसको ज़्यादा फोकस मत करो। आप लोग को मालूम है तो अच्छी बात है, तो रेगुलर जो मेरे साथ है उनको पता होगा सब कुछ, कि मिस्टेक लोग सुधार लेते हैं उनको, कोई जो नए होते हैं उनको लगता है सर कि गलत बताती हैं, गलत बताती, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाता है। अब उसको फिर बाद में तो कट नहीं कर सकता, वीडियो बन गया एक बार तो एग्ज़ाम खत्म होगा, डिलीट भी कर दूंगा, आप लोग परेशान कर देते हो एकदम। तो इसका आंसर क्या होगा, मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है, तो होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं होता कि लाइट होना चाहिए, पावर उसमें ज़रूरी नहीं है, बिना पावर के भी वो चलता रहता है कि नहीं, इस तरह से होता है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आ जाता है वो। नेक्स्ट, MMID कितने डिजिट का होता है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन इसका मतलब होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ये। कितने डिजिट का होता है ये, तो ये 7 डिजिट का होता है, ठीक है, इसका आंसर 7 डिजिट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट, लाइन कर्व हॉरिजॉन्टल जैसे ऑप्शन कहाँ होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ऑप्शन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मैंने इसीलिए आपको डीपली बताया है ऑप्शंस के बारे में। अब थोड़ा क्वेश्चंस क्या आते हैं तो मैंने, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन आपको ऑप्शंस सब दिखा दिखा के बताया भी है कि देखो ये ऑप्शन इसमें, ये ऑप्शन इसमें है, इसलिए मैं बोला कि क्वेश्चंस भी देखा करो, सब वीडियोस देखा करो, इसका आंसर हो जाएगा सेफ। देखोगे ना जो इंसर्ट मेनू में सेफ होता है, कभी जाओगे उस पर देखोगे सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, ये सारे सब बहुत सारे उसमें होते हैं सेफ में, तो होता है सेफ तो जानते हो ना, कई प्रकार के सेफ, कुछ भी हो सकता है सेफ, किसी भी कैसा भी, तो इसका आंसर सेफ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करो होता है, चार्ट विजार्ड, पाई विजार्ड, ऑब्जेक्ट, सेप। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा चार्ट, सिंपल सा ही है, चार्ट में ही सब कुछ होता है ये, चार्ट वाला, चार्ट इंसर्ट करना तो चार्ट में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, सुपर यूज़र क्या कर सकता है, सुपर यूज़र का मतलब क्या होता है, जैसे लिनक्स यूनिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, अभी तो विंडोज़ में ऐसा सुपर यूज़र का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यूनिक्स और लिनक्स में सुपर यूज़र का ऑप्शन होता है। सुपर यूज़र मतलब जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना कंप्यूटर, मैं हूँ इसका सुपर यूज़र, ऐसा आप लोग जो भी मेन एडमिन जो होता है, एडमिन वही होता है मेन, उसका सुपर यूज़र उसको बोलते हैं, तो सुपर यूज़र सब कुछ कर सकता है। ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना आपको ध्यान देना है बोथ, ठीक है। कहने का मतलब
यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, कंप्यूटर सेटिंग चेंज कर सकता है, तो जो भी उसमें है सब कुछ, सुपर यूजर तो सबसे मेन होता है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग यूज करता है, ये ट्रू है कि फाल्स? अच्छा, कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो लिब्रे ऑफिस है उसका डिफॉल्ट फाइल लोकेशन, तो मैंने डेस्कटॉप बोला था आपसे, डेस्कटॉप नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट होता है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट जो होता है उसी में सेव होता है, जो भी आप सेव करोगे बाई डिफ़ॉल्ट। लेकिन उसमें होता क्या है कि सेटिंग बदल दो तो बदल जाता है वो, तो ये आपको ध्यान देना है। कोई भी हो, सिर्फ लिब्रे ऑफिस नहीं, एमएस ऑफिस हो, वो भी डॉक्यूमेंट में होता है। तो जल्दी जल्दी में मैंने डेस्कटॉप बोल दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, बिल्कुल सही बात है ये। पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे डेटा, मतलब बड़े संख्या में जो डेटा होते हैं उसको कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग समझते हो ना सब लोग, तो उसको एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फोरग्राउंड में लाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? ये मालूम है, ये लिनक्स का क्वेश्चन है। जो लिनक्स यूनिक्स यूज होता है ना, उन सबका क्वेश्चन है ये। तो बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में लाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? FZ, ठीक है। और फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में, अगर इसका उल्टा होता तो BZ, दोनों कमांड उसी के हैं, FZ VZ उसी के कमांड होते हैं, तो उसको BZ बोलते हैं, उसको FZ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। मतलब बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में लाना है तो FZ, और अगर बैकग्राउंड में लाना है तो BZ। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड किस मोड में होता है? तो किस मोड में होता है वो, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिब्रे ऑफिस इंप्रेस पूछ रहा है, चाहे इंप्रेस पूछे या फिर पावर पॉइंट पूछे, एमएस ऑफिस का दोनों में वही होता है, तो दोनों में लैंडस्केप मोड में होता है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप मोड में होता है, हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप मोड में होता है, ये बात ध्यान देना आपको। और अगर वो जैसे राइटर पूछ ले तो पोर्ट्रेट मोड में होता है राइटर, बाय डिफ़ॉल्ट राइटर पोर्ट्रेट मोड में होता है, लेकिन स्लाइड की बात करें तो लैंडस्केप मोड में होता है, ध्यान देना आप। नेक्स्ट, स्क्रॉल बटन में क्या ऑप्शन होता है? अप एंड डाउन स्क्रॉल, राइट लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऑल ऑफ अबव, क्या सही होगा इसका? तो स्क्रॉल बटन जो भी होता है ना उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, अप और डाउन, बस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप और, देखो कभी ऊपर नीचे के अलावा कुछ कर सकते हो कि नहीं? नहीं, नहीं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है? मतलब जो बैंक खाता होता है उससे डायरेक्टली, तो देखो भीम ऐप जो होता है उससे डायरेक्टली बैंक खाता भी यूज़ होता है, बाकी किसी भी एप्लीकेशन से नहीं होता है। ई वॉलेट है, ये भी सारे ई वॉलेट हैं, लेकिन इससे हम डायरेक्टली खाते से करते हैं, बाकी सबसे अलाउड नहीं होता है। अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या यूज़ होता है? मतलब किसी भी संदिग्ध कार्य, मतलब समझ सकते हो कि कुछ चुरा ना ले, कुछ नकल ले, ऐसा होता है ना, तो इसका सेंसर होगा स्पाईवेयर ब्लॉकर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर ब्लॉकर क्या करता है? स्पाईवेयर जो, मतलब आपके कंप्यूटर कोई हैकर हैक करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, आपके पासवर्ड को चुरा लेगा, सब कुछ चुरा सकता है आपके, तो स्पाईवेयर ब्लॉकर क्या होता है? उसको ब्लॉक, स्पाईवेयर को ब्लॉक कर देगा तो चुराने में फिर नहीं चुरा सकता कोई, ठीक है। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए, ट्रू है कि फाल्स? मतलब आपको मालूम नहीं है क्या है इसमें, अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा फाल्स, है ना। किसी भी संदिग्ध लिंक को नहीं, जब हमको कुछ पता नहीं उसके बारे में तो क्यों क्लिक करें, कर देगा तो खतरा हो सकता है हमारे कंप्यूटर के लिए। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो इससे क्या प्रभावित हो सकता है? परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, कैपेसिटी, रिलायबिलिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा मालूम है सिक्योरिटी का होता है हमारे, बस। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी। वैसे
थोड़ा थोड़ा सब में प्रॉब्लम आ सकती है। सिक्योरिटी अगर प्रॉब्लम आ गई तो परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कैपेसिटी उसकी, कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब देखो कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है उसमें। सिक्योरिटी सबसे मेन इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट, डेटा इंक्रिप्शन क्या इंश्योर करता है? डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है मैं बताया था आपसे, एक किसी स्पेशल करेक्टर में बदल देता है, तो सिक्योरिटी के लिए होता है स्पेशली यूज़। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को गलत नहीं करना आपको, क्योंकि मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूँ इंक्रिप्शन के बारे में। मैं सबके जो जो वर्ड मिलते रहते हैं इसलिए मैं अच्छे समझाता रहता हूँ आपसे, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन मुझे पता है आएगा, तो ये जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से इजीली ये सब सारे क्वेश्चन कर लेगा। अब नेक्स्ट, इंक्रिप्शन डेटा किस में स्टोर होता है? कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सेम क्वेश्चन वही बताऊँ वही एग्ज़ाम में आए, ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि मैं सेम क्वेश्चन बताऊँ तब तो सब फिर फ़ायदा ही क्या होगा एग्ज़ाम जो होता है उसका, थोड़ा चेंज करके ही क्वेश्चन आएगा, वो अपने हिसाब से ही पूछेंगे वो लोग। तो आपको जब जो पढ़ा रहता है वो कर लेता है। तो इंक्रिप्शन डाटा किस में स्टोर होता है? इसका सही आंसर हो प्रोटेक्ट डिजिटल डेटा। कहने का मतलब, अब ऑप्शन क्या था मुझे ये भी नहीं मालूम, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो प्रोटेक्ट डिजिटल डाटा मतलब एक स्पेशल करेक्टर में कन्वर्ट, जैसे पासवर्ड होता है लिखते कुछ हो दिखता है कुछ नहीं दिखता, पासवर्ड कभी भी देखो लिखते हो नहीं दिखता कुछ, वही होता है इंक्रिप्शन एक तरह से समझ लो, बस वही होता है इंक्रिप्शन। जो पासवर्ड लिखते हो स्टार 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 करके आ जाता है ना, वो पासवर्ड वही है इंक्रिप्शन डेटा। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट पूछे तो मैंने वैसे ये तो सेम क्वेश्चन मैंने बताया था आपसे, वैसे एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन, 48 बिट होता है। और अगर बाइट में पूछ ले तो 6 बाइट होता है, 6 8 6 48 होता है, सेम क्वेश्चन मैंने बताया था आपसे। अब नेक्स्ट, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी सेम ऐसे ही मैंने बताया था आपसे। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े लिखते हैं, उसका मतलब ध्यान से सोचोगे तो बहुत छोटा होता है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ये भी क्वेश्चन जैसे इसके बारे में, मैक के बारे में चाहें तो लोग बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैक क्या होता है? ये फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर का, तो उसको लंबा चौड़ा ऐसे पूछ लेंगे तो ऐसे कर वो बना सकता है कोई भी। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है? ये तो सबको मालूम होना चाहिए। IPv4 IPv6 दोनों पूछते रहते हैं बराबर, तो ये 128, पहले भी क्वेश्चन ये बहुत पूछते थे, और उसका 32 बिट। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी होती है? तो ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये तो ये सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक है, आपको कर देना है सेकेंडरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी बदल सकते हैं? यस, नो, नेवर, ओनली वन टाइम, क्या इसका इसका आंसर क्या होगा? तो ये लोग भी पता नहीं क्यों ऐसा ऑप्शन दे दिए, यस नो नेवर, वैसे नेवर होता है इसका सही आंसर। ईमेल एड्रेस मालूम है बदल नहीं सकते हम, अगर बदलना हो तो उसके लिए डिलीट करना पड़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा सा नो होना चाहिए था, नेवर पता नहीं ऑप्शन में क्या था, आपको ध्यान देना है। कुल मिला के बदल नहीं सकते, बस ईमेल एड्रेस हम बदल नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक में एक यूज़र सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है, ये ट्रू है कि फाल्स? ये इस बार कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन बता रहे थे कि आ रहा है ये वाला, ये ट्रू है कि फाल्स? तो हो जाएगा फाल्स, क्योंकि मालूम है मैं भी यूज़र हूँ, मेरे पास 3-4 पेज तो मैं ही बनाया हूँ अपना फेसबुक पे, तो इसलिए तो फाल्स है साफ साफ, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा देखा जाए तो,
ये माइक्रोसॉफ्ट का है। अब नेक्स्ट, हॉटमेल किसका पार्ट है? देखो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं मेरे पास भेज नहीं पाते कोई, छोटे क्वेश्चन लोग भेज लेते हैं, यही है। और छोटे क्वेश्चन लगभग 50 तो आते ही होंगे, 50 बड़े बड़े आते होंगे, तो बड़े भेजोगे तो मैं ज़रूर उसका आंसर बताऊंगा उसके बारे में। वैसे केयरफुली अगर पढ़ोगे तो उसका आंसर आप लोग दे लोगे, इतना पक्का बता रहा हूँ मैं। हॉटमेल ये भी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट, बेस्ट ग्राफिक प्रिंट कौन देता है? इंकजेट, लेज़र, प्लॉटर, थर्मल? वैसे ये सारे तीन प्रिंटर हैं, बाकी प्लॉटर तो प्रिंटर है ही नहीं, लेकिन ये भी प्रिंटर है, बस ये प्रिंटर का बड़ा भाई है। ठीक है, प्लॉटर भी प्रिंटर का समझ लो बड़ा भाई है, तो प्लॉटर इसका आंसर होगा, क्योंकि प्लॉटर से बढ़िया कोई ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं कर सकता। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर क्वालिटी होता है प्लॉटर का। बड़े बड़े जो प्रिंट करने के लिए इसको ब्लू प्रिंट बनाया जाता है ना, किसी बिल्डिंग का, किसी ब्रिज का, किसी कुछ भी, तो उसको बोलते हैं प्लॉटर से बनाया जाता है वो। अब नेक्स्ट, डेबिट कार्ड क्या है? सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्या ऑप्शन में पूछते हैं आप, वो तो आपको जानना है। यही उम्मीद है कि सब लोग कर लोगे, जो भी क्वेश्चन आता होगा डेबिट कार्ड क्या है के बारे में, तो सब कुछ तो मालूम है आपको कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो इसलिए सब कर लोगे। इसका आंसर ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि प्लास्टिक का एक कार्ड एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल के लिए पहले से पैसा होना ज़रूरी है, खाते में पैसा होगा तभी कर सकते हैं। ये सब तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, तो आपको क्या आता है वो सब पता है आपको उसके बारे में, तो कर लोगे। अब नेक्स्ट, 4.0 क्रमांक किस देश से विकसित हुआ? तो क्रमांक आता है, क्या आता है? एक है इंडस्ट्री 4.0, मालूम है, उसी को पूछते हैं ये लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले जर्मनी ने इसका इस्तेमाल किया, इसको उपयोग किया, अभी तो पूरी दुनिया में चल रहा है, मतलब ये जो मॉडर्न है 4.0 इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है उसका चल रहा है अभी, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, ये सब सारी चीज़ें इसी के अंडर में आती हैं। जो इंडस्ट्रीज, जो उद्योग हैं वो सब मॉडर्न, ये सब सारी बातें हैं। ठीक है, कहने का मतलब मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न सब कुछ होना चाहिए। अब नेक्स्ट, माउस में कितने बटन होते हैं? ये तो पुराना क्वेश्चन, पहले भी आता था, अब भी आता है ये। तो माउस में ए एंड बी दोनों, दो भी और तो तीन भी, दो तरह के माउस होते हैं सब जानते हो ना, किसी किसी में स्क्रॉल जो बटन होता है वो नहीं होता, और किसी किसी में होता है, तो तीन होता है, किसी में दो होता है, जो भी क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। तीन आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर मान लो ए बी दोनों ना हो तो तीन कर देना है, आपको दो भी हो तीन भी हो तो तीन कर देना चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रोज़ होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 1048576। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर पूछ ले कॉलम तो 1024। और देखो रो कैल्क और एक्सेल दोनों में सेम होता है, 1048576, इतने कैल्क में भी होता है, इतने एक्सेल में भी होता है, लेकिन कॉलम में चेंज हो जाता है। जो 16384 लिखा हुआ ये कॉलम नंबर ऑफ कॉलम एक्सेल का है, और कैल्क में 1024 कैल्क का है। ठीक है, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, क्या आप मैसेज में बिना कुछ लिखे मैसेज भेज सकते हैं? ये क्वेश्चन तो मोस्ट पॉपुलर है, पहले भी कई बार मैं आपसे बताया हूँ इसको, तो ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन मिलते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन सिंपल आते हैं, किसी से भी ये बिल्कुल नहीं बोलता, और ये भी मैं जानता हूँ कि देखो कई लोगों ने मिलकर भेजता है ये क्वेश्चन, जो भी आते हैं मेरे पास कई लोग मिलकर भेजते हैं, तो कोई 10 क्वेश्चन भेजा, कोई 5 भेजा, तो सबको जो क्वेश्चन याद भी होता है ना, जो इजी होता है वही याद होता है, ये सच है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ कि क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं। हार्ड उसको बोलते हो आप लोग जो नहीं आता, ट्रू हो जाएगा ये, भेज सकते हैं, अगर नहीं लिखा और नहीं भेज सकते तो फाल्स कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड काउंट कौन से मेनू में पाया जाता है? वर्ड काउंट, अब ये देखो इसमें दो बातें हैं, मैं बताता हूँ आपको, मतलब लिब्रे ऑफिस पूछे तो अलग होता है इसमें, और एमएस ऑफिस पूछे तो अलग होता है। लिब्रे ऑफिस पूछे तो टूल्स, तो टूल मेनू जो होता है उसमें पाया जाता है वर्ड काउंट का ऑप्शन मेनू। ठीक है, और अगर उसमें पूछे तो
एमएस ऑफिस वर्ड में पूछे तो रिव्यू में होता है, रिव्यू। जब रिव्यू करना होता है उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, तो ये बातें ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, मर्ज ऑप्शन कहाँ पाया जाता है। मर्ज मतलब क्या होता है, जोड़ना मिलाना, दो चीज़ों को एक में मिला दो, उसको बोलते हैं मर्ज कर दिया, समझते हो ना। मर्ज जैसे दो बैंकों को एक में विलय, मतलब विलय, दो बैंकों को एक में विलय कर देना, मर्ज कर देना, ऐसा होता है ना। तो मर्ज मतलब वही होता है। तो मर्ज कैल्क की बात करें, कैल्क में होता है दो सेलों को मर्ज किया जाता है, तो उसको फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है एकदम, ध्यान देना। मैं उसे बताया, मैं ये भी दिखाया था आपको सारा ये सब। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में रिसेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। तो ये भी मैं बताया हूँ, सब जानते हैं इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। और अगर टाइम पूछ ले तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, मतलब यहाँ बीच में शिफ्ट कर दो बस, बाकी सब कुछ वही है, इम्पोर्टेंट है दोनों। अब नेक्स्ट, कट कॉपी के पहले क्या करेंगे, उसे करने से पहले क्या करना चाहिए हमको। टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए, बोल्ड करना चाहिए, तो हो जाएगा सेलेक्ट करना चाहिए, सिंपल सा है ये। और अगर बात पूछे तो पेस्ट करना चाहिए, कॉपी क्यों किया जाता है, पेस्ट करने के लिए किया जाता है कि नहीं। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस कब स्टार्ट हुआ था, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन में लिया है टोटल। तो आरटीजीएस कब स्टार्ट हुआ था, तो आरटीजीएस 5 2004 को स्टार्ट हुआ था। इसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर छिपा है, मैं बताता हूँ आपको। और नवंबर 2005 में NEFT स्टार्ट हुआ था। और अगर उमंग ऐप पूछ ले तो वो भी पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उमंग ऐप नवंबर 2017 में स्टार्ट हुआ था। क्या उमंग, ठीक है, उमंग। और IMPS, जो IMPS करते हो, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये नवंबर 2010 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। अब आते हैं जो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके लिए है, उसको उस पर आते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को सब लोग लाइक कर देना, जो लोग अभी तक किए हो सब लोग लाइक करके ही जाना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो दो क्वेश्चन है आज का, पोर्ट नंबर HTTP का बताना है आपको, और INN कितने डिजिट का होता है ये बताना है आपको, ठीक है। HTTP का पोर्ट नंबर और INN का डिजिट, कितने डिजिट का होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आज भी पूछे गए थे, इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट है। तो पोर्ट नंबर का एक वीडियो स्पेशली मैं बनाया हूँ, सब लोग जानते हैं उसको, जो लोग नहीं जानते तो जान लो, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देख सकते हो उसको, काफ़ी अच्छे से समझा दिए उसके बारे में। फिर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आप सबको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।